और आज सरदार पटेल की 144वीं जयंती है। इस मौके पर अमित शाह ने ट्वीट कर उनको नमन किया है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने मजबूत भारत की नींव रखी है, राष्ट्र समर्पण को नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने देश के विकास के लिए तमाम बड़े और अहम काम किए हैं। और सरदार पटेल की 144 जयंती के मौके पर अमित शाह ने ट्वीट कर उनको प्रणाम किया है, उनको नमन किया है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश के निर्माण के लिए बहुत सारे त्याग बलिदान दिए हैं और उनके किए गए कामों को देश कभी भुला नहीं सकता। जो कहा वो किया, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, क्योंकि केवड़िया को लेकर जो सपना प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया था वो पूरा होता नजर आ रहा है। अपने दो दिन के गुजरात दौरे पर उन्होंने कई योजनाओं की शुरुआत की है। रोशनी से जगमग, इंद्रलोक से सुंदर, ये कोई कल्पना नहीं है। ये भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है, जिसे सपनों के सारथी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्ग से भी सुंदर बना दिया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास चमचमाती ये रोशनी एक बार को तो हैरत में डाल देती है। क्या ये सच में भारत का कोई हिस्सा है या फिर कोई सपना? क्योंकि सुंदरता की जो छटा केवड़िया में इस वक्त छाई हुई है, ऐसा दृश्य शायद ही आपने पहले कभी देश के किसी हिस्से में देखा हो। ये चमचमाती सड़कें और सड़क पर लाइटिंग स्टैचू ऑफ यूनिटी की सुंदरता में चार चांद लगा रही हैं। जरा इन वृक्षों को देखिए, हरे रंग की रोशनी में ऐसे नहाए हुए हैं कि डर लगता है कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए। वैसे काला टीका लगाने की जरूरत इस यूनिटी ग्लो गार्डन को भी है, जिसका ग्लो सजावट से इतना ज्यादा हो गया है कि ग्लो शब्द भी छोटा लगने लगा है। यूनिटी ऑफ ग्लो गार्डन में हिरन और तमाम जानवरों की आकृति पर सजावट की गई है। पार्क में लाइटिंग के फव्वारे लगाए गए हैं, जिसका दृश्य बाहर से और भी ज्यादा मनमोहक लगता है। आपको बता दें, स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसका उद्घाटन करते वक्त पीएम ने एक वादा किया था, वादा केवड़िया को पर्यटन का केंद्र बनाने का। भाइयों और बहनों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज यहां के आदिवासी बहन भाइयों और युवा साथियों के लिए रोजगार का एक नया माध्यम भी बनती जा रही है। आने वाले समय में जब यहां के रास्ते यहां